नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक सुप्रीम कोर्ट के बेहद महत्वपूर्ण फैसले की। आरटीआई के दायरे में कौन आता है और कौन नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ हो या ट्रस्ट या निजी कंपनियां, जो भी हो, अगर वो सरकार से वित्तीय मदद लेती हैं तो वो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आती हैं और वो आरटीआई एक्ट के तहत उन्हें जानकारी देना बाध्य है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अगर एनजीओ या अन्य संस्थान सरकार से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय मदद हासिल कर रहे हैं तो हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों कोई नागरिक ये जानकारी नहीं मांग सकता कि एनजीओ या अन्य संस्थानों को दिए गए उसके पैसे का इस्तेमाल कहां, कैसे, सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि इस बढ़ते दायरे में कौन कौन आने जा रहा है, इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और हालांकि कुछ लोग इसे लेकर भी आशंकित हैं और कहते हैं कि ये जो दायरा बढ़ाया गया इससे कई तरह के नुकसान है, क्या वाकई ऐसा है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सत्य प्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से, सत्या स्वागत है आपका। दूसरे खास मेहमान सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। राम कुमार जी हैं, सीएफओ हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, आपका स्वागत है। और कपिल सांकला हैं, एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। कपिल, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में कपिल आपसे करना चाहूँगा, आरटीआई एक्ट हालांकि अपने आप में जब से मैं कहूँ 2005 के बाद से हम देख रहे हैं साल दर साल इसकी ज़रूरत, इसकी महत्ता को लेकर आम पब्लिक, सिविल सोसाइटी काफ़ी खुश नज़र आती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि कोई भी संस्थान, चाहे वो निजी हो, वो ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, दायरे में आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा मैं उसको थोड़ा समझना चाहूँगा आम पब्लिक के नज़रिए से। वित्तीय सहायता, ज़मीन मिली हुई है, क्या किस तरह के लाभ लिए हुए हैं, वो दायरे में होगा। जी जी कविन, मैंने काफ़ी फोरम्स में ये कहा है कि अगर हम ये बताना चाहें कि हम एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एम्पावर्ड नेशन हैं, हमारे जो नागरिक हैं उनके उनको सरकार ने पावर दे रखी है, तो वो आरटीआई एक्ट से पता चलता है। 2005 के बाद बहुत सारे चेंजेस लाए भी गए हैं, लाने की कोशिश भी करी गई है, पर आज की डेट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर पास करा है, जो जजमेंट पास करी है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही एम्पावरिंग है, एक्ट के दायरे को बहुत बढ़ाता भी है और साथ में काफ़ी सारी पावर नॉर्मल इंसान को देता है ये जानने के लिए कि उनके टैक्स का पैसा, उनका पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उन्होंने ए डेफिनेशन को इनलार्ज करा है, डेफिनेशन को आगे बढ़ाया है, जिसमें ये बोला गया था कि कौन कौन से लोग आरटीआई के अंदर आ सकते हैं। तो उसमें ये बोला गया कि जो एनजीओज हैं या सोसाइटीज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और जो सोसाइटीज़ हैं और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो सरकार के पार्ट में नहीं है, जो डायरेक्टली सरकार के पार्ट में नहीं है, सरकार के अंदर नहीं आते, पर सरकार उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड करती है और सब्सटेंशियल फंडिंग करती है, तो वो जो एनजीओज हैं, वो जो कंपनीज हैं या वो जो सोसाइटीज हैं, वो आरटीआई के दायरे में आती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही एम्पावरिंग बात है वो, ऐसे क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं होता कि सरकार उसको कंट्रोल कर रही है नहीं कर रही, क्वेश्चन ये होता है कि सरकार ने उसको कितने पैसे दिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से डिसाइड करा कि समझो कि 10,000 की कोई एनजीओ चल रही है और उसमें 5,000 रुपये सरकार ने डाल रखे हैं, तो इसका मतलब ये सब्सटेंशियल फंडिंग नहीं है। पर अगर 1 करोड़ की कंपनी है और 50% से कम की भी फंडिंग है, 40% की भी फंडिंग है, तो सब्सटेंशियल फंड्स हो गए। तो इस तरह की एनजीओज में, इस तरह की सोसाइटीज में, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में आप आरटीआई से उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। और ये सिर्फ पैसे के पर्टेनिंग नहीं है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनकी हायरार्की के बारे में पूछ सकते हो कि उनमें कौन कौन से लोग काम करते हैं, किस किस पोजीशन में है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई, क्योंकि काफ़ी सारी एनजीओज हैं वो घोटाले बहुत आराम से कर लेती हैं, फंड मैनेजमेंट करती हैं। फिर ऐसी चीज़ें बोल दी कि जो उनकी डिसीजन है और जो उनकी फंक्शनिंग है, आप उनको भी मांग सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। डिसीजन कैसा, कि अगर सरकार ने कुछ फंडिंग करी है और वो ऑर्गेनाइजेशन उस फंड को किसी और तरह से ले जाने की कोशिश कर रही है, किसी और डायरेक्शन में ले जा रही है, तो आप पूछ सकते हो कि ये डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, उस डिसीजन की कॉपी क्या है या उसकी फंक्शनिंग, कि वो ए चीज करने के लिए बनाई गई है पर बी सी डी कर रही है, प्रॉपर्टियां खरीद रही है, तो पूछ सकते हो जी।
तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है। ओके, प्लस एक और बहुत जरूरी चीज कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कर दी, ये बोला कि सिर्फ डायरेक्ट फंडिंग नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, आप इनडायरेक्ट फंडिंग के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि अब इसके दायरे में कैसे इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस ही नहीं, नॉर्मल एनजीओज भी नहीं, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं। सरकार ने आपको बहुत सस्ते में या बिना किसी पैसे लिए हुए आपको प्राइम लैंड दे रखी है हॉस्पिटल चलाने के लिए, और बोल रखा है कि एक्स अमाउंट जो है आप गरीबों के लिए आप इसको खोल के रखोगे, चलाओगे, गरीब आ सकते हैं आप यहाँ पे, आप वो नहीं कर रहे हो। तो आप बोलते हो जी हमें सरकार फंड नहीं करी, ये बात नहीं हुई, ये इनडायरेक्ट फंडिंग में आ गया कि प्रॉपर्टी दी गई है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ आप ये नहीं बोलोगे जी 40 साल पहले उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम थी, आज बढ़ गई तो क्या हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज की वैल्यूएशन करी जाएगी, आज का पैसा देखा जाएगा, आज की इनडायरेक्ट फंडिंग देखी जाएगी। तो कमीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को इनलार्ज कर रखा है। ये हमारे एक्ट में पहले भी था पर इसको किसी तरह से यूज नहीं करा जा रहा था, क्योंकि बाय नोटिफिकेशन आना था, और ये सेक्शन 2HD के सेकेंड पार्ट में आता था, जहां पे ये बोल रखा था कि बाय नोटिफिकेशन आप एनजीओ वगैरह को भी ले सकते हो जहां पे सब्सटेंशियल फंडिंग होती है। आज फंडिंग के दायरे को बढ़ा के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली RTI के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। बिल्कुल, पहले जो था ये बिल्कुल सही है कि जो रूल था और सब्सटेंशियल फंडिंग जो एक शब्द का इस्तेमाल इस एक्ट में किया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं ट्विस्टिंग की जा रही थी, मैं कहूँ जिस तरीके से पहले इससे पहले सवाल उठे थे। अब राम कुमार जी, क्योंकि आप पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हैं, इस तरह के कई संगठन हैं, ट्रस्ट हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश कि सब्सटेंशियल फंडिंग अगर हो रही है तो आप जवाबदेह हैं, RTI एक्ट के तहत आते हैं, सबसे पहले तो समझना चाहूंगा कि आप इसका स्वागत करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। देखिए, एनजीओस के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो एनजीओस जो हैं, हम लोग अपना एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट्स वगैरह सब कुछ वेबसाइट्स में डालते हैं। तो सबसे पहले एनजीओ का जनरल नज़रिया होता है कि हमारी सारी चीज़ें एनजीओ के वेबसाइट में रहती हैं। FCRA अगर हम लोग लेते हैं, फॉरेन फंडिंग जिसको बोलते हैं, FCRA में हमारी सारी रिटर्न्स गवर्नमेंट के पास होती हैं और वेबसाइट में कोई भी कभी भी देख सकता है। तो पारदर्शिता के नाम के हिसाब से तो NGOs काफ़ी का हम लोग, कम से कम हम मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में खास कहूँ तो हम लोग काफ़ी पारदर्शिता हैं, ओपन हैं। हायरार्की के बारे में बताया तो हायरार्की के बारे में भी बहुत क्लियरली हमारा ओपन सब कुछ रहता है। अब इन्होंने सब्सटेंशियल फंडिंग के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमारी सिर्फ ये है कि अगर सब्सटेंशियल फंडिंग क्लियर हो जाए कि जेनरिक कहा है कि अब सब्सटेंशियल फंडिंग का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं किया, या तो वैल्यू फिक्स हो, हाँ वैल्यू फिक्स हो जाए या फिर परसेंटेज फिक्स हो जाए, या दोनों फिक्स है। नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि अप टू सो मच और अप टू सो मच परसेंटेज, अगर ये हो जाता है तो एनजीओस को भी पता रहेगा कि आपको कौन सी फंडिंग के ऊपर आपको कितना रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स जनरली उसी फंडिंग के रिलेटेड होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं जहां तक इस ऑर्डर को पढ़ रहा हूं और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट क्लेरिफाई करेंगे। पहले तक ये था कि जिस फंड को आप ले रहे हैं उस फंड के बारे में जानकारी आप देने के लिए बाध्य हो सकते थे, लेकिन आज की ये जो सुप्रीम कोर्ट की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आदेश को, इसमें इसने एक तरीके से मैं कहूँ कि ओवरऑल आपके NGO संस्था के बारे में आपको जानकारी देनी होगी अगर आपने सरकारी वित्तीय मदद का इस्तेमाल किया। अग्रवाल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, देखिए थोड़ा सा इसमें फर्क है जी। सांकला साहब ने पूरा वर्डिक्ट बड़ा अच्छी तरीके से समझाया है। राम कुमार जी ये कह रहे हैं कि ये क्लियर हो जाना चाहिए था परसेंटेज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया। जैसा सांखला साहब ने समझाया कि अगर 10,000 रुपये फंडिंग है और उसमें से टोटल है 10,000 रुपये और 6,000 गवर्नमेंट का है तो वो सब्सटेंशियल नहीं मानी जाएगी, पर अगर 100 करोड़ में से 30 करोड़ है तो वो सब्सटेंशियल मानी जाएगी। तो परसेंटेज वाली बात नहीं है, क्वांटम भी देखना है, परसेंटेज भी देखना है, सब देखना है। और बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने कहा DAV सोसाइटी का था ये, वो कहते हैं कि जितना खर्चा टीचिंग में हुआ है जो मेन काम है उसका 95% गवर्नमेंट दे रही है, और बाकी का जो कर रहे हो वो तो आप हॉस्टल वगैरह के ऊपर कर रहे हो, तो मेन जो एस्पेक्ट था वो था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन ये वेल एनालाइज दिया है। मैं तो अब एक बात कहता हूँ, अभी भी कोर्ट केसेस बढ़ेंगे क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, जिन्होंने सब्सटेंशियली फाइनेंसिंग ले रखी है इन फॉर्म ऑफ लैंड या और तरीके से, और CIC उनके पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करता है, वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं। स्टे तो 10 साल तक भी डिसाइड नहीं होता, मेरी कई पिटीशंस पड़ी हुई हैं, पर गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा है कि मदर डेयरी ने
जिसे कि CIC ने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया, मदर डेयरी ने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सिंगल बेंच ने अपहेल्ड किया CIC का ऑर्डर। अब मदर डेयरी डिवीजन बेंच में गई है कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पर सरकार ने पार्लियामेंट में कहा हम चाहते हैं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर ये जो मदर डेयरी है ये RTI एक्ट के दायरे में सीधा सीधा है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार और एक कदम आगे बढ़ाए। जो हमारे पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री RK माथुर, उन्होंने एक वोट में बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन दी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये अभी तक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जबकि करीब 40 लाख कैंडिडेट हर साल इसमें आते हैं। तो और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभी क्यों चैलेंज होंगे। अब गवर्नमेंट को चाहिए एक काम करें, जिसे भी लैंड सब्सिडाइज रेट पे दे या जिसे भी सब्सटेंशियल फंडिंग दे, उससे पहले ही एग्रीमेंट साइन करा ले कि आप पब्लिक अथॉरिटी हो, तो ये कोर्ट में चैलेंज ही नहीं हो पाएंगे। हर एक जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस, वो सब कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जयराम कुमार जी, तमाम एक एक शहर में अगर कहूँ, शायद आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 40-60% के वेरिएशन में कहूँ, इसके बीच में जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग्स, अस्पतालों की बिल्डिंग्स सरकार की उस जमीन पर हैं जो कि शायद 1 रुपये या 10 रुपये की लीज पर मिली हुई है, तो ये सब अब इसके दायरे में होंगे, जवाबदेही देनी पड़ेगी, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई कोई नहीं, हमारी तो मैंने कहा ना कि हम ये तो RTI बना ही एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के लिए, एक RTI बना ही काफ़ी सारे NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के फाइट करने की वजह से है। तो एस सच सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के इसके बारे में कभी कुछ, मैं तो सिर्फ ये कहा कि जनरली स्पीकिंग जैसे हायरार्की वगैरह, सांकला साहब ने कहा हायरार्की, ये सब चीज़ें, जैसे सर ने भी कहा कि ये सब चीज़ें हमारे वेबसाइट्स में मैंडेटेड होनी चाहिए, वो होनी, अगर जिन लोगों के नहीं है तो उनके मैंडेट होने चाहिए। अगर ये जो क्वेश्चन है 30% 30 crore आउट ऑफ 100 crore या जो भी हमारा वैल्यू है, अगर वो कहीं ये भी ब्लैक रूल्स अगर क्लैरिटी हो जाती है तो और बाकी लोगों को जो एप्लीकेबल है वो भी क्लियर हो जाए। वैल्यूएशन ऑफ लैंड लीजिए ना, आप 1 रुपये की वैल्यू है, हर साल वैल्यू की वैल्यू ऑफ लैंड बदलती है और वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं नोटिफाइड होते हैं, उसके बेसिस में अगर सिस्टमिकली अगर पता चल जाएगा तो जो जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो उन्हें भी क्लैरिटी मिल जाए। दैट्स इट। सत्य, कैसे देखते हैं इस आदेश को, दायरे को, और जब दायरे की बात करें और जो राव कुमार जी करें कि क्लेरिफिकेशन थोड़ा सा और आना चाहिए था, उसकी कहीं लैग कर रहा है इस डिसीजन में। पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा एक्सपैंड नहीं किया है, जो एक्ट में लिखा है वहीं तक रखा है। ये हुआ है कि कुछ पहले से ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो गई है। जो एक्ट है उसमें सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहाँ लगेगा, कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर आएंगे, तो उसमें कैटेगरीज हैं। सेक्शन 2H में सबसे पहले कहता है कि एनी इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत कोई भी संस्था बनी है तो वो इसके दायरे में आएगी। इसी तरह से है कि अगर कोई भी संस्था संसद द्वारा बनाए किसी कानून के तहत क्रिएट हुई है तो वो भी इसके दायरे में आएगी, और फिर कोई भी संस्था जो किसी राज्य के असेंबली द्वारा कानून बनाया हुआ है उसके तहत अगर बनाई गई है कोई संस्था तो वो भी आएगी। अब जैसे संसद या सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिएट गए हैं तो ये उसके दायरे में स्वमेव आ जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी संस्था को RTI कानून के तहत बनाया, मैं कह रहा हूँ RTI कानून के तहत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बना है तो वो भी RTI के दायरे में आएगा। इसी तरह से किसी राज्य के कानून का है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकारी नोटिफिकेशन से अगर कोई संस्था बनाई जाती है तो वो इसके दायरे में आएगी। इसके अलावा उन्होंने अलग से एक कैटेगरी रखा हुआ है जिसमें कि कोई भी संस्था अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो NGO भी हो सकता है, तो वो इसके दायरे में आएंगे। तो ये जो उसमें स्पेसिफिकली NGOs का लिखा हुआ है कि NGOs सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और वो फंडिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। देखिए, पूरे RTI कानून में सेक्शन 2H एक ऐसा प्रावधान है जिसकी वजह से जो RTI का दायरा है वो लगातार बढ़ेगा, और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी लोग सेक्शन 2H का उपयोग करके अलग अलग संस्थाएं जिनको या तो सरकारी फंडिंग मिल रही है, जैसा कि इस केस में DAV सोसाइटी का था, या ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको सरकार ने एक तरह से कहें कि बहुत सस्ते में ज़मीन दे रखी है, ऐसे कई स्कूल कॉलेज और अस्पताल हैं, और ये संस्थाएँ आम तौर पर
बनने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, वो जवाबदेही से बचना चाहते हैं और आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहिए, आपको कुछ बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस कानून का जो मकसद है वो यह है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा और व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता है। एक और चीज़ जो इसका दायरा कहाँ बढ़ा है और कहाँ बढ़ सकता है उसमें यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि पहले से ही कानून में ही लिखा हुआ है सब्सटेंशियली फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये एनजीओज भी हो सकते हैं। इसका जो इम्प्लिकेशन है वो कहाँ तक जा सकता है उसमें देखिए एक नया ट्रेंड चला हुआ है हिंदुस्तान में कि जिसमें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, कई बार सड़क बन रही है या पुल बन रहे हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कई बार हज़ारों करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होता है। उसमें जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो आधी फंडिंग तो सरकार की है, तो जैसे ही उस फंडिंग से कोई बॉडी क्रिएट की जाती है और प्राइवेट और पब्लिक आरटीआई के दायरे में हो जाएगी, तो वो आरटीआई के दायरे में होगी और उसको आना भी चाहिए। आमतौर पे जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहती हैं, और इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं, कुछ सीआईसी में होंगे और बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और बचने की कोशिश लोग करते हैं। एक और जो अच्छी चीज़ जो इस फैसले के में है वो ये है कि जब आप सब्सटेंशियल फंडिंग की बात करते हैं तो वो फंडिंग सपोज़ किसी को ज़मीन किसी संस्था को मिली तो वो उस वक्त क्या कीमत थी वो तो ध्यान में रखेंगे ही, उसकी कीमत आज क्या है और आज की कीमत के हिसाब, सपोज़ कि जिस वक्त उनको ज़मीन दी गई थी उस हिसाब से सपोज उस समय उसकी कीमत 1,000 रुपये थी, इसको आप सब्सटेंशियल फंडिंग नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसकी कीमत अगर आज 10 करोड़ रुपये हो तो इसको सब्सटेंशियल फंडिंग कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जिस वक्त ज़मीन अलॉट की गई है वही हम नहीं देखेंगे, आज उसकी कीमत क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे को और सेक्शन 2H में जो पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन किया हुआ है उस डिफिनेशन को एनलार्ज कर दिया है। यहाँ तक ये है, बाकी अगर मुझसे पूछे तो जो कानून में लिखा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है। इनलार्जमेंट यहाँ पे है जब कोर्ट ये कह रहा है कि जिस वक्त अलॉटमेंट हुआ है उस वक्त को तो देखेंगे ही, अभी मौजूदा दर क्या है, उसकी कीमत क्या है ये भी देखेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने उसको इनलार्ज किया है और इसके इम्प्लिकेशंस आगे बाकी संस्थाओं के अलावा, जैसे आमतौर पे हम हॉस्पिटल और स्कूलों को देखते हैं और कॉलेजों को, इस तरह की संस्थाएं, इसका सबसे ज़्यादा जो इम्प्लिकेशन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए इसका इम्प्लिकेशन ज़्यादा है। मैं सत प्रकाश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने जैसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, सीआईसी उसके अनुसार वर्डिक्ट देगा, पर होगा वही कि वो लोग चैलेंज करेंगे। इससे अच्छा क्या है कि जितनी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और ऐसी जो बॉडीज़ हैं उन्हें डायरेक्टली आरटीआई एक्ट के कानून में शामिल कर लिया जाए। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, उससे वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो, कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होंगे, लेजिस्लेशन में ही ये बात लिख दी जाए। दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। बीसीसीआई ने सीआईसी का वर्डिक्ट चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर एम लोढ़ा ने बहुत सारा ऑब्जर्व करते हुए आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि आप इस पे विचार करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को मैटर भेजा, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया हाँ ये आरटीआई में आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कहती है आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, अब रह किया गया अभी तक वो आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है। डीडीसीए को आज जो स्टेडियम है फरोशा कोटला स्टेडियम जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है, उसे नॉमिनल लीज पे इतनी प्राइम प्रॉपर्टी मिली हुई है वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। इफको है, इतना बड़ा कोऑपरेटिव जायंट है, दसियों हजार करोड़ रुपए साल की सब्सिडी उसके थ्रू रूट होती है, सीएजी ने स्ट्रक्चर पास कर रखे हैं और वो आरटीआई के दायरे में नहीं है, जबकि वो अपने ऑफिसर्स को सैकड़ों करोड़ की प्राइम वर्थ प्रॉपर्टीज गिफ्ट में देता है। अब बीसीसीआई है, 10 करोड़ रुपए साल वो कोच को देने को तैयार है, 7 करोड़ रुपए साल प्लेयर को देता है, अवार्ड मनी मैच मनी सब अलग। तो ये इतनी बड़ी जो डिस्पैरिटी पैदा कर रही है, हमें पूछने का हक है। बिल्कुल कपिल, जो सुभाष जी कह रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब इस दायरे को हम देखते हैं और जैसे कि सत्या ने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत जो भी अब कंपनी फॉर्म की जाएगी, जो प्रोजेक्ट होंगे वो भी दायरे में आ जाएंगे इस आदेश के बाद, इसके अलावा ऐसी संस्थाएं
जो सरकार से बीसीसीआई की बात हो रही है, इस तरह की नेफ बहुत सारी संस्थाएं हैं वो भी इसके दायरे में होंगी, लेकिन अग्रवाल साहब कहना है कि इससे बचने का रास्ता ये होता है कि वो कोर्ट चली जाती हैं और उसमें एक लंबा वक्त लगता है और उसके बाद एक वक्त मिलता रहता है। इसको, इस रास्ते को मैं कहूँ कि इस पतले सकरे बचाव के रास्ते को बंद करने का तरीका और क्या हो सकता है? जी देखिए, यही जैसे सत्या जी जो अभी कह रहे थे कि ये जो लिखा है सब्सटैंशली फंडेड या एनजीओज आर पार्ट ऑफ आरटीआई, ये आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है जो उन्होंने 2H के बारे में बोला था, एकदम सही कह रहे थे। पर जो चीज़ मैं आपको साथ में कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस इशू को और अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है और डिफाइन करते हुए एक्सपैंड कर दिया ऐसे, क्योंकि जो 2H में लिखा हुआ था वो इस तरह से लिखा हुआ था कि इसमें जो एनजीओज हैं जो सब्सटैंशली फाइनेंस्ड हैं वो बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी, तो इस तरह से था कि मतलब अगर नोटिफिकेशन दे रखा हो और वो जो नोटिफिकेशन है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर रखा हो और इंक्लूड अदर्स, तो उसमें होता क्या था, ये बचने का एक बहुत अच्छा तरीका था क्योंकि इस तरह की जो एनजीओस थी या सोसाइटीज थी या जो हॉस्पिटल्स थे या स्कूल्स थे वो यही बोलते थे देर इज नो नोटिफिकेशन विद अगेंस्ट अस, और इस वजह से क्योंकि देर इज नो नोटिफिकेशन या ऑर्डर हम इसके दायरे में नहीं आते, तो इस वजह से जब मैंने कहा कि दायरा एक्सपैंड हो गया है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को क्लैरिफाई कर दिया है, क्रिस्टलाइज कर दिया, वो ऐसे ही करा है। जैसे कि इन्होंने, सत्या जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा बहुत सही कहा कि एक रुपये पे प्राइम प्रॉपर्टी मिल जाती थी, पर वो करते क्या थे कि वो पैसा जो होता था या तो होल्ड करते थे, वो पैसा जिस पर्पस के लिए मिला जाता था उसको उसके लिए नहीं यूज करते थे, या उस पैसे से और प्रॉपर्टीज या असेट्स क्रिएट करते थे, ये वो पर्पस नहीं था। तो आज की डेट में आप पर्पस पूछ सकते हो, तो जज साहब ने ये जो बोला है तो आप डिसीजन भी पूछ सकते हो, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं हो गई, आज डिसीजन भी आप पूछ सकते हो, आप आरटीआई में वो डिसीजन मांग सकते हो कि ये पैसा आपने जैसे गरीबों के लिए लगाना था या एजुकेशन के लिए लगाना था या फर्नीचर के लिए लगाना था या बीमारों के लिए लगाना था, गरीबों के लिए लगाना था, आपने उसके बदले आपने असेट्स क्रिएट कर लिए, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, क्यों खरीदी, या आपने और एक बिल्डिंग बना दी जिसका इससे कोई पर्पस नहीं था, वो क्यों बनाई आपने, या जैसे कि उन्होंने कहा इफको की बात करी कि वो प्रॉपर्टीज जो जो उन्होंने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज अपने ऑफिसर्स को गिफ्ट कर दी या फ्लैट्स बना दी, वो क्यों बना दिए, क्योंकि ये जो पर्पस है जिसके लिए सरकार ने आपको सब्सटैंशियल फंडिंग दी है ये उससे अलग है, उससे परे है। तो ये जो ऑर्डर है ये इन्हीं जो डिफेंस के मैकेनिज्म थे जिससे आप कोर्ट में जाके स्टे लेते हो काफी सब्सटैंशियल हद तक उसको रोकता है, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही दोनों बातें कि आज जो पीपीपी मॉडल है जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है दिल्ली में भी इंडिया में भी, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो स्मार्ट सिटीज बन रही है सारे पीपीपी मॉडल पे बन रही हैं, तो वो पीपीपी मॉडल्स अंदर आ गए, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब गवर्नमेंट फंडिंग करती है तभी लिखवा ले, एक अंडरटेकिंग ले ले, एक अग्रीमेंट ले ले कि वो आरटीआई के अंदर आते हैं, दे आर क्वेश्चनेबल, ओके, तो वो जो क्वेश्चनेबल वाली बात हो जाती है वो अपने आप ही इन एनजीओस को वो सकरा रास्ता जो इनके लिए है, जो बाय लॉ इनके लिए बना है, उसी को फॉलो करेंगी, और ये हायरार्कीज क्रिएट करके, जैसे कि आप जानते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं फॉरेन फंडिंग की तो आपको मालूम है शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, बिल्कुल, वो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता, सिर्फ फंड मैनेज करना होता है, तो वो एनजीओज भी ऐसी क्रिएट हो जाती है, एनजीओज आर एनजीओज एक एनजीओ से टाई अप करती है, वो एनजीओ को एक ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करती है जो सोसाइटी होती है जो फंड्स रोटेट कर रही होती है, तो वो क्या करती है, आपके उसमें हम इस तरह से फंड लगाएंगे, आप उस तरह से चीज करेंगे, हमें 99 साल की आप लीज में प्रॉपर्टी दे देंगे, तो ये हो गया फंड मैनेजमेंट जैसे शेल कंपनी करती है, ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं आज इस ऑर्डर से, सत्या, क्योंकि इसमें सिर्फ जैसे मैंने कहा सिर्फ फाइनेंस नहीं, आप अपनी हायरार्की डिसीजन कई सारे पहलुओं को इसमें आप जान सकते हैं उसकी पारदर्शिता के तौर पर, सत्या सर, लेकिन सवाल जो कह रहे हैं इस वक्त अग्रवाल साहब की रास्ता जो बीसीसीआई जैसी संस्थाएं जब कोर्ट चली जाती हैं तो उसे बचने के फिर बेहतर विकल्प क्या है कानूनी तौर पर, क्या आरटीआई एक्ट में ही कुछ उसमें एक नया क्लॉज जोड़ने की जरूरत है कि जो भी सरकारी फंडिंग ले रहा हो ऑटोमेटिकली इसके दायरे में आ जाएगा और उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर पाए? देखिए, बीसीसीआई अब शायद सरकारी फंडिंग नहीं ले रही है, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, अगर बीसीसीआई को थ्रो अवे प्राइस पे कोई स्टेडियम मिला हुआ है, कोई उसकी ज़मीन मिली हुई है, तो इट्स वुड ऑटोमेटिकली कम, और ये जो लिटिगेशन के बाद भी अदालतें भी जो फैसले दे रही हैं बहुत मामले, जैसे ये फैसला बहुत साफ है, बीसीसीआई के मामले में फैसला इतना साफ नहीं था, वो घुमा के फिर वापस लॉ कमीशन तक जाके भी बात अटक गई, बहुत सारे स्कूल हॉस्पिटल संस्थाएं आएंगी, इसमें दो चीज़ें और दोनों चीज़ें अग्रवाल साहब ने कही वो ये है कि पहली तो ये कि
कुछ तो कानून में ही तब्दीली ला दी जाए, जैसे कि इस तरह की संस्थाएं जिनको पहले से ही सब फंडिंग हो रखी है इन टर्म्स ऑफ लैंड और इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, और इस तरह की फंडिंग अगर पहले हुई है और जैसा कि इस फैसले में कहा गया है कि पहले भी अगर कुछ मिला हुआ है, आज की कीमत उसका देखेंगे, उस हिसाब से देखें तो हज़ारों करोड़ की संपत्ति बीसीसीआई के पास है। तो एक तो ये है कि आप चाहें तो अमेंडमेंट करके ये चीज़ें साफ कर दें। उसमें साथ ये भी होना चाहिए कि नेचर ऑफ वर्क जो है उनका वो क्या है, वो फंक्शन जिस तरह का उनका है वो अगर पब्लिक फंक्शन है तो उसके बाद तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। एक तो सब्सटेंशियल फंडिंग हो गई और दूसरा उनके नेचर ऑफ फंक्शनिंग जो है वो भी बिल्कुल पब्लिक की तरह का है। दूसरा जो आपने फरमाया कि वो जब आप फंडिंग कर रहे हैं किसी संस्था को तो उसी समय उससे अंडरटेकिंग ले लें कि दिस इज़ सब्जेक्ट टू यू बिकमिंग अ पब्लिक अथॉरिटी विद इन द मिनिमम सेक्शन 2H ऑफ RTI। ये अगर हो जाता है, अगर कुछ तो कानून में तब्दीली हो जाए जिसमें कि इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं जैसे उसके दायरे में आ जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली इसके दायरे में, उसको आप घोषित कर दें कि ये इसके दायरे में है। देखिए, सरकार का भी पर्पस इस तरह की संस्थाओं को बचाने का नहीं है। सेक्शन 4 में ये प्रावधान है RTI एक्ट में कि जितनी भी संस्थाएँ जो पब्लिक अथॉरिटी हैं वो अपने आप ये सारी चीज़ें जहाँ तक संभव हो वो अपने वेबसाइट पर सो मोटो वो डिक्लेयर कर देंगी ताकि लोगों को एप्लीकेशन भी नहीं डालना पड़े। जब आप चाहें तो वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर ऐसा बहुत सारे संस्थाएं नहीं कर रही, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, तो सरकार को चाहिए, चूँकि सरकार ने उनकी फंडिंग कर रखी है तो सरकार को चाहिए कि इन सारी संस्थाओं, ऐसी सारी संस्थाओं को जो केंद्र के स्तर पर हैं और या राज्य सरकार के स्तर पर, उनको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और दूसरा ये कि इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं जिनकी फंडिंग हो रही है, तो जब फंडिंग कर रहे हैं उस वक्त उनसे अंडरटेकिंग, ये दोनों ही सुझाव बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। बहुत संक्षिप्त में, संक्षिप्त की भी जरूरत नहीं है, एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे ये संस्थाएं RTI के दायरे में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने RTI के दायरे को लेकर क्या कहा है और सब्सटेंशियल फंडिंग का मतलब क्या है और उसके दायरे में आने के बाद कौन कौन अब RTI एक्ट के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।